आई एम अ लेट चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. बहुत मेरे तो शादी होते ही साथ मेरे पेरेंट्स जेल चले गए थे फ्रीडम मूवमेंट में. पर मैं ऐसे बुरे हाल में हुआ कि लगता था जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा. मुझे पैदा होने के कुछ ही दिन बाद सडनली कॉलेज में फ्रीडम मिली तो मैं सीधे पॉलिटिक्स में जंप किया मैंने. और मुझे समझ में आ गया इससे तो टीचर भी डरता है, वाइस चांसलर भी डरता है, इनसे पुलिस भी डरती है, सब डरते हैं. तो बेस्ट जगह है ज्वाइन करने की. स्टार होगा तो ही फिल्म बनेगी. अननोन से रूल्स बना लिए हम लोगों ने. पार्टी में खूब जाओ, चमचागिरी करो, ये करो, वो करो. तो मैं उसे इससे क्रॉस कर चुका था, लेकिन फेस तो मुझे भी करने पड़ी वो बात. और अब आप बना रहे हो द वैक्सीन वॉर. हाँ, और आप दुश्मन खड़े कर रहे हो. नमस्कार, जय हिंद. मंजिलें और भी हैं कि इस एपिसोड में मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे डायरेक्टर, मेरी फिलॉसफी से जुड़े हुए, देश के प्रति जो हमारी फिलॉसफी है, लोगों के प्रति हमारे जो भाव हैं, जैसे कहते हैं कि दो अलग अलग माओं के दो बेटे जो भाई हैं, उस तरह के इंसान आज मेरे साथ हैं. विवेक अग्निहोत्री, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए. You know, there is so much to talk to you about. I know. There is so much to talk to you about. और हमारी बातचीत कितनी होती रहती है इस फॉर्मल एटमोसफेयर में जहाँ तीन कैमरा लगे हुए हैं, उसमें बात कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ नहीं आती. लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट यू, अबाउट हाउ यू गो अबाउट योर लाइफ, वट आर योर थाट्स. आपने किताबें लिखी हैं, किताबें सुपर हिट हैं, आपकी फिल्म आपकी सुपर हिट है. यू आर अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, नॉट ओनली फिल्म मेकर. You are a YouTuber, you are an opinion maker, an opinion giver also. And you have worked with me many years back when I had a company called Media Entertainment Company. हमने साथ में काम किया था. जी. So मैंने आपका graph अलग अलग तरीके से देखा है. मैंने आपकी दूसरी फिल्में भी देखी हैं. But lot of people will not know your childhood. I know about your childhood. I know what your father did, etc. I want to know about कि भी वो विवेक अग्निहोत्री, जिस विवेक रंजन अग्निहोत्री, अभी जैसे ठनन ठनन ऐसे आता है, अगर वो जो बच्चा था तो वो कैसा था और उनके एटमॉस्फेयर क्या था उनके घर में, उनके मोहल्ले में, उनके आसपास. यानी तब ये बोलते थे ये बोलता क्यों नहीं है. हाँ. अब कहते चुप क्यों नहीं होता. ये तब एक डब्बू मिडिल क्लास का नहीं. एक्चुअली मैं एक तो क्या हुआ कि मैं आई एम अ लेट चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स. बहुत मेरे तो शादी होते ही साथ मेरे पेरेंट्स जेल चले गए थे फ्रीडम मूवमेंट में. और उसके बाद फिर फादर वाज वो काफ़ी मूवमेंट वगैरह में थे. तो उनके अपने बच्चे हुए नहीं कई सालों तक. अच्छा. फिर उन्होंने मेरी मौसी के बच्चों को रख लिया अपने साथ, छोटे छोटे से थे वो, वहीं बड़े हुए. उनको तो पता ही नहीं था 20 साल तक कि उनके सगे बेटे नहीं है. अच्छा. मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं 10वीं में नहीं आ गया. फिर उनको ऐसा ना हो कि पक्षपात हो तो उस चक्कर में उन्होंने किया नहीं. तो ओनली व्हेन माय ब्रदर वेंट टू यूएस टू स्टडी फिर मैं पैदा हुआ. तो पर मैं ऐसे बुरे हाल में हुआ कि लगता था जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा. मुझे पैदा होने के कुछ ही दिन बाद हमारा गांव था एक छोटा था, वहां जाते थे, वहां से मुझे रोमेटिक फीवर हो गया. कहां पे गांव था? ये धन्योरा एक है शाहजहानपुर यूपी में. okay. उसके पास गांव का नाम है. तो मैं जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा ये हो गया. तो माय मदर प्रीमेच्योर थे बेबी आप या नहीं? प्रीमेच्योर नहीं, मैं गांव में मुझे रोमेटिक फीवर हो गया. रोमेटिक फीवर उस जमाने में जोड़ों का दर्द होता है भयंकर. मतलब लगता है आप रहोगे नहीं रहोगे. उसके चलते तब इतनी शायद उसकी नॉलेज नहीं थी बीमारी की, तो मुझे बहुत एंटीबायोटिक्स दे दी गई. एंटीबायोटिक्स दे दी गई तो मेरी बॉडी के कई सारे जो नर्व्स थे जो आपके वॉलंटरी मतलब जो आपके कंट्रोल में होते हैं तो वो इनवॉलंटरी हो गए. अच्छा. तो वो कई कुछ एक ठीक भी हो गया फिर बाद में एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी इलाज इलाज करके. पर मेरी आंखों का कभी नहीं ठीक हो पाया. आपने देखो माई आई बॉल्स रोल ऑन देयर ओन, आई कांट कंट्रोल इट. राइट. तो वो हो गया. तो मेरे को उसका एक थोड़ा डर और वो भी हो गया. बच्चे अच्छे भी चढ़ाते होंगे स्कूल में जहां तक मुझे याद है, कुछ बोलते ही होंगे. तो मैं खामोश भी रहता था. एंड पर यस मैं लिखता रहता था. तो कौन कौन थे आपके परिवार में उसमें जब? मैं, माय फादर, माय मदर एंड माय सिस्टर. अच्छा. एंड वो जो अडॉप्ट किए थे? हाँ, तो उनमें से एक की तो शादी हो गई थी मेरे पैदा होने के ही पहले. अच्छा. हाँ. और वेरी लेट मतलब. कहाँ पर ये, किस जगह की? ग्वालियर की. ग्वालियर में. या. और आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर तब प्रोफेसर थे संस्कृत के वहां पे.
और साहित्यकार भी थे और अटल बिहारी वाजपेयी वो सब साथ में ही काम वाम करते थे उस वक्त में, बड़े बैगर में बड़ी फोटो है। और फिर बाद में वाइस चांसलर हो गए मेरे फादर, तो मैं एजुकेशन के माहौल में बड़ा हुआ। मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत दब्बू था, बहुत डरपोक था, मतलब मुझे डर लगता था लोगों को नमस्ते कहने में, बाहर आने में, उस तरह से। हुआ क्या कि एक वो डिबेट कॉम्पिटिशन में मेरा नाम लिख दिया गया, सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था मैं, एट्थ या नाइन्थ की बात है। तो एक एक करके नहीं एलोक्यूशन, तो लोग एक एक करके बच्चे जाते हैं, बोलते हैं दो चार मिनट, कुछ अजीब सा चले आते हैं। तो जब मैं जाने लगा तो मैंने झांक के देखा तो वहाँ मेरे फादर, मदर, सब जिनको मैं जानता हूँ, ये जज साहब हैं, ये सेक्रेटरी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, सब बड़े बड़े लोग बैठे थे वहाँ फ्रंट सेकेंड थ्री। मैंने कहा ये तो मैं रोने लगा पीछे। तो मेरे प्रिंसिपल थे राजगुरु साहब, उन्होंने बोला वो आए और पहले थोड़ा गुस्सा हुआ कि क्यों रो रहे हो ये। फिर उन्होंने कहा हाउ ओल्ड वर यू दिस टाइम? दिस इज आई थिंक नाइन्थ या एट्थ या नाइन्थ, 14 साल के या 13 साल के, 13 या 14 साल का। वहीं से चेंज हुआ। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो ऐसा है, अगर ये लोग तुम्हारे जितने स्मार्ट होते तो ये स्टेज पे बोल रहे होते, तुम इनसे ज्यादा जानते हो इसलिए तुम स्टेज पे बोल रहे हो, ये तुम्हें सुन रहे हैं। वंडरफुल फॉर हिम टू से दैट, ये तुम्हें सुनेंगे राइट। और ये तो अगर इनको बोलना आता तो ये ऊपर होते, तुम नीचे होते, और यही तुम्हारा मौका है। पर उस डायलॉग में चिंतक था, मैं समझता था बातों को बहुत, और दैट डायलॉग चेंज माय लाइफ फॉरएवर। और उन्होंने मुझसे, जब मैं जा रहा था स्टेज पे, उन्होंने बोला एक किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत बोलना विवेक, जो तुम्हारे दिल में वही बोलना। तो मुझे ये समझ में आया कि आप जब तक इम्प्रेस करने के लिए काम करते हैं तब तक उसका कोई अर्थ नहीं, जब आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं लाइफ चेंज होती है। और वही हुआ 2010 के बाद, मैंने रियलाइज कि मैं तो इम्प्रेस करता रहता हूँ, मुझे एक्सप्रेस करने का वक्त आया, लाइफ चेंज्ड। या हाउ, आप पढ़ाई में अच्छे थे? पहले अच्छा था, फिर कॉलेज में गया तो एकदम खराब हो गया। यानी क्या, एक तो ब्राह्मण परिवार का बेटा, आदर्शवादी घर में, गांधीवादी घर में बड़ा हुआ, स्कॉलर्स के यहाँ, सब बड़े बड़े रामधारी सिंह दिनकर बैठे हैं, शिव मंगल सिंह सुमन बैठे, एंड सडनली कॉलेज में फ्रीडम मिली तो मैं सीधे पॉलिटिक्स में जंप किया। मैंने जाते ही साथ विद इन लाइक फिश टू वाटर, 15-20 दिन के अंदर रैगिंग जबरदस्त चल रही थी, पिट रहे थे, ये हो रहा था। मुझे समझ में आया सर्वाइव करना है तो सिर्फ पॉलिटिक्स से ही सर्वाइव कर सकते हो। दिस वाज इन दिल्ली? नो, इन भोपाल। इन भोपाल तो बहुत पिटे जब हम लोग, तो हाउ टू एस्केप। तो मैंने कहा अगर पॉलिटिशियन जो लड़के थे उस वक्त, बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स होती थी खेर साहब, मतलब तलवारें अलवारों वाली, तो मैंने तभी सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं जाती साथ तो वो सारे लेफ्टिस्ट लोग थे, एकदम बिल्कुल हार्डकोर नक्सल लड़के थे, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। और मुझे समझ में आ गया इससे तो टीचर भी डरता है, वाइस चांसलर भी डरता है, इनसे पुलिस भी डरती है, सब डरते हैं, तो बेस्ट जगह है ज्वाइन करने की। तो फिर पढ़ाई में बर्बाद हो गए। फिर पढ़ाई में, फिर मैं जब BSc हो गया मेरा ख़त्म, और ना इंजीनियरिंग में हुआ ना कहीं हुआ, अब लगा अब कहाँ जाएंगे, मिडिल क्लास बच्चे की व्यथा आप जानते हैं, ये भी नहीं समझ में आता, अंधकार दिखता है चारों तरफ। तब मैंने कुछ तो करना चाहिए अब लाइफ में। और फिर मैं IMC में गया पढ़ने दिल्ली में, फिर हार्वर्ड में गया, फिर तो पढ़ता रहा। और उससे पहले विल गो बैक अगेन टू योर चाइल्डहुड, हु वर यू क्लोजर टू, हु वर योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हु वर योर कजन्स, ऐसे कौन थे? आपकी मम्मी आपके करीब थी या आपके पिताजी? आपको पिताजी से डर लगता था कि नहीं लगता था? डिसिप्लिनेरियन कौन था घर में? I want to understand. मेरी माँ, like my mother. हाँ, more than she was very protective about me. मतलब खेलने नहीं जाने देती थी मेरे को, because I was a very late child. तो उनका fear था कि कुछ हो गया मुझे तो क्या होगा. And before that she had a miscarriage. Just before that, तो वो fear भी था उनके दिमाग में. और क्या नाम आपकी मदर का? शारदा देवी। तो उनको ये भी डर लगता था कि कुछ हो गया, और मेरे को रूमेटिक फीवर हो गया तो बहुत डर गई। उस चक्कर में रात भर जगती थी, वो लगाना ठंडे, वो टावल यहाँ पे तौलियां बांधती थी, साड़ी फाड़ फाड़ के, बिकॉज इट यूज टू हर्ट। और उस जमाने में ऐसा था नहीं जो आज की तारीख में, जिस तरह के पेन किलर्स वगैरह सब हैं। एंड तो शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। मार बार पड़ती थी? हाँ, उस जमाने मार और का क्या होता है, सही हो तब मार पड़ती थी, गलत होता ही तब मार। हाँ, मतलब यानी आपके हाथ से गुलदस्ता गिर गया अगर, और हाथ में खून आ गया, उसकी किसी को चिंता नहीं है, इतने लापरवाह गिर गया तपा। तो
बट अब मुझे लगता है कि जो कुछ मैं हूँ शायद उन मार के कारण हूँ, दैट हैज ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ मी. माई फादर वॉज नेवर वेरी स्ट्रिक्ट. उनका बस यही था कि अगर रात को 8 बजे के बाद आए तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा. वो नहीं खाएंगे. वाह. तो मतलब हम गिल्ट के मारे 2 दिन तक परेशान रहते थे. तो दैट वाज देयर वे ऑफ पनिशिंग. हाँ वाह वाह. और आपके प्रिंसिपल की तो आपने सीख मुझे दी. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट योर फादर टॉट यू? लाइक माय फादर टॉट मी इन अ डिफरेंट मैनर अबाउट फेलियर. ही सेड फेलियर इज एन इवेंट, नेवर अ पर्सन. सो दैट टुक अवे द फियर ऑफ फेलियर फ्रॉम माय लाइफ व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड. 9th क्लास में उन्होंने मुझे ऐसा कहा था और वो मेरे जहन में रहा. हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे को समझ में नहीं आता क्या हमारे जहन में रह जाता है, एंड दैट शेप्स अस एज पीपल, यू नो. तो मुझे बिकॉज फियर का डर नहीं था, मुझे मतलब फेलियर का डर नहीं था, तो मैं कभी भी फेल होता था मुझे लगता था पिताजी तो बोले थे कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर अ पर्सन. तो मैं तो फेल नहीं हुआ किसी भी चीज में. तो व्हाट इज इट दैट यू योर फादर गेव यू life lesson or something like that, knowingly or unknowingly? Yeah, I think दो चीजें. एक तो उनका personal conduct, personal behavior, उससे बड़ा फर्क पड़ता है. जैसे मैं PTE में मैंने exam दिया था, मेरे तो कुछ नहीं किया, rebellious कि I don't like this education system. तो उस वक्त तो टैश में कुछ ऐसा काट दिया पूरा पेपर, तो 0 नंबर आ गया. क्योंकि ये हम leftist thinking थी वो कि हम इस aggressive system पे believe नहीं करते. लेकिन जब रिजल्ट आया तो हाथ हथेली में आ गई कि अब घर में क्या बोलें भाई. ठीक है, उस वक्त तो बोल दिया, बट माय फादर नेवर रिएक्टेड, ही डिडंट से एनीथिंग. और किसी भी चीज के मेरे लाइफ के गुड डिसीजंस, बैड डिसीजंस, उनकी पूरी एक बात हमेशा मुझे जो बचपन से भी बोलते आए थे और उनकी फिलॉसफी भी थी, ही सेड कि हर नदी जो है उसको अपना रास्ता ढूंढना है. हर नदी को अपना रास्ता ढूंढना है. और ही सेड कि तुमको बस लाइफ में ये पता करना है, वो आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कि तुम्हें जाना कहाँ है. जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें भोपाल से कलकत्ता जाना है कि बम्बई जाना है, तुम कुछ भी करते रहोगे कोई फायदा नहीं होगा. एंड सेकंड थिंग ही टोल्ड मी, विच मैं कई बार बोलता भी हूँ कई जगह पे, वो ये कि ही टोल्ड मी, तो हम लोग बहुत, तब मैं नया मैंने पॉजिटिव थिंकिंग, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, ये बहुत बातें करता था. तो ही टोल्ड मी समथिंग कि अगर तुम दिल्ली उतर जाओ और कोई किसी से बात नहीं कर सकते हो लाइफ में, और दिल्ली उतर गए और तुम्हें एक नक्शा दे दिया गया दिल्ली का और तुम्हें इंडिया गेट जाना है, लेकिन अगर वो बम्बई का नक्शा गलती से दिल्ली छप गया है उसके ऊपर, तो तुम कितनी भी हार्ड वर्क कर लो, पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, कुछ भी कर लो, तो तुम कभी इंडिया गेट नहीं ढूंढ पाओगे. कमाल की बात. तो इसे की जो नक्शा है ये होना बहुत आवश्यक है लाइफ में. अब पुराने टाइप के थे, थोड़े गांधीयन भी थे, व्यवस्थित भी थे, और सो आई अंडरस्टूड दैट. दूसरी चीज जो अब जाके पिछले 8-10 साल से मेरी लाइफ में मेरे को समझ में आई, वो ये है कि सादा जीवन उच्च विचार. आपने जितना आप अपने जीवन को सादा, सादा का मतलब सिर्फ कपड़े और खान पान से, विचारों से भी, व्यवहार से भी, रिश्तों में भी, जितना सिंपल करोगे उतना आपकी लाइफ जो है समृद्ध होती जाएगी. और जितना आप उसमें चीजों को बढ़ाते जाएंगे उतने आप उन चीजों के चौकीदार बनते जाएंगे. और ये मैं अब लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, आपसे भी सीखता हूँ ये. मैं कई बार मैं ऑनेस्टली आई यू इंस्पायर मी अ लॉट, आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. थैंक यू. व्हाट वाज द फर्स्ट बुक यू रिमेंबर व्हिच मेड एन इंपैक्ट इन योर लाइफ? ऑब्वियसली गीता. यानी मैं, अच्छा, क्लीशे है ये बात? नहीं, बिल्कुल क्लीशे नहीं है. देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि जिंदगी के जितने भी क्लीशे हैं ना, वो सबसे ज्यादा ज्ञानदायक हैं. हाँ, इसलिए शायद हजारों साल में कोई आई लव यू चेंज नहीं कर पाया, नहीं कर पाया. क्लीशे. हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू क्लीशे, इससे बड़ा क्लीशे कोई है ही नहीं. तो अब फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे लोग उससे, लोगों कहने लगे अरे यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है. जो अच्छी चीजें थी उसको अनकूल बना दिया गया. कि बड़ा बड़ा है यार, ये तो बड़ा संस्कारी है. हाँ, संस्कारी है ना, ये सब कुछ है. तो मैं इस बारे में बिल्कुल, मैं इससे बिल्कुल नहीं विचलित होता और ना ही मैं इसको हटने देता. तो आप गीता, 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 गीता में जो ज्ञान है, क्योंकि मेरे फादर ने सारे वेदों का अनुवाद भी किया था. अपने फादर का आपका नाम नहीं बताया. डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री. हाँ,
तो गीता एज अ फिलोसफी मैंने हमेशा देखी, इसलिए देखिए मैं जब भी स्पीचेस भी देता हूँ तो मैं जनरली हिंदू सिविलाइजेशन की फिलोसफी की बात करता हूँ, रिलीजन में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। रामायण हमारे घर में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। और दूसरी किताब जो मैंने पढ़ी थी यंग एज में, 7th-8th में, जिसने बहुत मेरे दिमाग को इम्प्रेस किया, और अगर मैं थोड़ा साहित्य समझता हूँ या लिख लेता हूँ, अगर वो दो किताबें नहीं पढ़ी होती शायद मैं नहीं कर पाता, वो है कालिदास की, एक है मेघदूतम, है दूसरी ऋतु संहार। और उसमें जो उपमाएं कालिदास की है, मतलब इतना ग्रेटेस्ट राइटर। अब उसमें एक जगह है कि वो अपने प्रेमी से मिलने जाती है बारिश में। अब कैसे जाए, उसे मिलने जाना है, तो वो प्लान क्या बनाती है, वो कहती है कि मैं जैसे ही वो बिजली कड़केगी तो थोड़ा दिखता है, तो थोड़े कदम 10-20 कदम आगे चली जाऊंगी, फिर इंतजार करती है बिजली कड़कने का, फिर कड़कती है और आगे जाती है, और ऐसे जाके अपने प्रेमी से मिलती है, मेघदूतम में है जब बारिश होती है उससे मिलती, मतलब यानी इतनी सुंदर उपमाएं हैं उसमें, मैंने आई कैन विजुलाइज दैम। फिर उसमें ये जैसे कि लोग हैं भीग गए बारिश में तो थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, अपने कपड़े सुखा लेते हैं वहां जाके प्रेमी लोग, क्योंकि कोई देख नहीं सकता, बादल है तो नीचे गांव वाले देख नहीं सकते। तो ये जो इमेजरी की भोपाल में बैठ के जो हिमालय की मैंने इमेजरी देखी सारी की सारी, तो आई फेल इन लव विद हिमालय। इसलिए आप देखिए मैंने ट्विटर में भी लिखा है वो कहां रहते हैं, वो लिविंग जो है आई हैव रिटन हिमालय, और मैं हर साल एक महीने हिमालय जाता इसीलिए हूं। तो इन किताबों ने किया मेरे ऊपर काफी असर। वाह, were you a romantic? When I say romantic, not necessarily vis-a-vis women or girls, were you a daydreamer? Were you a dreamer? दब्बू लड़के ऐसे ही होते हैं जो इंट्रोवर्ट और दब्बू होते हैं। एक चीज मैंने रियलाइज की है कि हम इंट्रोवर्ट लोगों का बिना बात के मजाक उड़ाते हैं। एक्चुअली मैंने नोटिस किया है इंट्रोवर्ट लोगों का वर्ल्ड व्यू ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो चुपचाप ऑब्जर्व करते रहते हैं और दे अंडरस्टैंड, उनकी संवेदनशीलता भी थोड़ी डिफरेंट होती है। गुंडे लोग और इंट्रोवर्ट अलग होते हैं, मैं गुंडे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समझ गया। इंट्रोवर्ट मतलब जो शांति से देखते रहते हैं। तो बड़े दिनों बाद गुंडे लोगों का सुनना ही दिया। टिपिकल वर्ड है। बड़ा गुन्ना आदमी है। बड़ा गुन्ना आदमी है। दो तीन दो वर्ड है ना, बड़ा गुन्ना और बड़ा मीसना है। ये दो शब्द अब आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, लैंग्वेज काफी चेंज हो गई है लैंग्वेज अभी। मैं तो लगता है कि अभी वो शब्दों को भी ना उन्होंने वो सीओ को सी और यू लिख देते हैं। ये सब चीजें, बट आई विल कम बैक टू दैट। सो आप इधर आए, आपने मतलब ग्वालियर से भोपाल गए, और फिर वहां पर आपने आपने एक कल्ट ज्वाइन किया अपने हिसाब से, चेगवारा, जो हर इंसान चेगवारा बनना चाहता है या कुछ इस तरह का ना, एक जी जवानी का एक जोश होता है। टी शर्ट पहनता था मैं चेगवारा की। अच्छा, पहनते थे। जी जी, वाह। व्हेन डिड यू चेंज अबाउट दैट? व्हेन वो आपका फेज कब खत्म हुआ? वो फेज कैसे खत्म हुआ? वो खत्म हुआ जब मैं दिल्ली पहुंचा। अच्छा, तो दिल्ली में IMC, अब आज मुझे नहीं पता, पर उस वक्त इट वॉज द एपेक्स इंस्टीट्यूट। अच्छा, वहाँ गया और वहाँ सब बड़े बड़े लोग, मर्सिडीज में लड़कियाँ आ रही हैं, और वो सब एम्बेसडर्स के बच्चे, 25 स्टूडेंट्स थे और कोई 5-1 हज़ार लोग बैठते थे कंपटीशन में। पर चूंकि मैं छोटे शहर का था, नेटिव इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी मेरी, और वो एप्टीट्यूड टेस्ट था तो आई टॉप, तो मेरे को उसमें फ्री शिप मिल गई, फ्री में एडमिशन मिल गया। यानी साल भर की पढ़ाई का एक पैसा नहीं देना था मुझे। तो खुशी खुशी मैं भी चला गया, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं ऐसे में, चलो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर जब मैं वहाँ गया तो एडवर्टाइजिंग तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री है। फिर हार्वर्ड में गया, फिर मैं JWT में काम करता था, ये कोका कोला, जिलेट, ये सब लॉन्च करते थे। तो फिर मेरे को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये जितने मैं लोगों को अपना आइडियल मानता था, और जितने ये लीडर्स थे और सब लोग थे, ये खुद तो करोड़ों रुपए की कोठियों में रहते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो 10-10, 15-15 साल उसी हॉस्टल में फेल होते पड़े रहते हैं, और ये एनकरेज करते हैं कि तुम फेल हो जाओ, फेल हो जाओ, फेल हो जाओ, और उनको एक स्लेव की तरह से रखते हैं, पॉलिटिकल स्लेव्स की तरह, एक फॉल्स आइडियोलॉजी में, जो कि प्रोडक्टिव ही नहीं है। इसलिए कि हर विश्व के समाज में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, हर घर में, हर व्यक्ति में समस्याएं हैं। हम लोगों ने अच्छे कपड़े पहने तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें भी कहीं यहाँ फुंसी है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटे सिर्फ उसी फुंसी के ऊपर केंद्रित कर दें अपना दिमाग, तो आप में जितना अच्छापन है, जो आपका अच्छा स्वास्थ्य है, उसके बारे में भूल जाएंगे। और हर आदमी कुंठाग्रस्त है। तो मुझे समझ में आया कि ये पूरी जो स्ट्रेटेजी थी,
ये मुझे जिंदगी भर कुंठाग्रस्त रखने की, देखो कितना प्रॉब्लम है, कितना और विश्व को बदलने का ठेका आपको दे दिया। अरे मैं अपने शरीर को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूं, अपने रिश्तों को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं क्लाइमेट को, कास्ट के प्रॉब्लम को, करप्शन के प्रॉब्लम को, औरतों के प्रॉब्लम को, पूरे विश्व के प्रॉब्लम को, कोल्ड वॉर उस वक्त चलता था, उस युद्ध की राजनीति को, सबको कंट्रोल करने का जिम्मा एक स्टूडेंट्स को दे दिया, यूथ को, और बोला कि जो तुमसे अग्री नहीं करता वो तुम्हारा दुश्मन है, गाली दो उसको। यहां बंदूक नहीं चला सकते थे, शेगवार होता तो गोली भी चला देते। तो मुझे ये समझ में आया कि ये कैपिटल जीरो क्रिएट कर रहे हैं, खुद करोड़ों की कोठी में रह रहे हैं और बाकी जितने लोग हैं वो गरीब के गरीब हैं। तो मुझे लगा कि ये नए तरह के जमींदार हैं। फिर मैं कैपिटलिज्म में डूब गया उसके बाद। फिर मुझे लगा नहीं, कैपिटल क्रिएट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर मुझे उसका भी प्रॉब्लम समझ में आया, अब वो तो अभी कई सालों के बाद, लेकिन दैट्स हाउ आई चेंज्ड। हार्वर्ड चेंज मी अ लॉट। वहां पर क्या सिखाया था? हार्वर्ड देखिए एक सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट टाइप की यूनिवर्सिटी है, एक लेफ्टिस्ट विचारधारा तो वहां है और वो गलत भी नहीं है, स्टूडेंट्स में होनी भी चाहिए। और हार्वर्ड का अपना मैनुअल है ना, आप अमेरिका में बोलते हैं हार्वर्ड टू हॉलीवुड, मतलब वो सीख के आप चले जाइए और सारी दुनिया को एक मॉरल उपदेश दीजिए, वो दीजिए। लेकिन एक चीज मुझे हार्वर्ड में जो समझ में आई कि अगर आप में टैलेंट है तो दे एनकरेज यू लॉट। उसकी जो सबसे पॉजिटिव बात यह कि टैलेंट को वो लोग दे एंश्योर कि कोई इग्नोर ना कर सके, कोई आप करने ही नहीं देंगे, जान लगा देंगे आप किसी के भी बच्चे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप में जरा भी टैलेंट है और आपने कोई अच्छी बात करी, नई बात करी, जरा भी प्रतिभा सूंघ भी लेगा दूर से कोई भी प्रोफेसर या स्टूडेंट भी सूंघ लेगा, तो वो पूरा सिस्टम आपके सामने नतमस्तक होकर आपको आगे ले जाएगा। और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। तो मैं जब इंडिया इसीलिए आया था, मैं वही नौकरी करने लगा, ग्रीन कार्ड मिल गया। और अच्छा, मैं I surrendered my green card। वाओ। क्योंकि मैं बड़ा त्रस्त भी था जिस जमाने में हम लोग पढ़े हुए हैं, खेर साहब आप जानते हैं, सिर्फ बाटा और कोरोना था, बड़ी समस्या, बस में ऐसे लटक के एक उंगली से चलना पड़ता था, जंग लगी हुई बस में, छेद हुए जंग के कारण, तो जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जहां जाइए वहां करप्शन ही करप्शन था। मतलब एक बार मोदी जी ने बोला था कि देश में कई लोग को उस वक्त लगता था कि यार कहां पैदा हो गए, मरने किसी तरह निकल जाए, और ये झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। 70-80 दशक के जो बच्चे हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, यही था किसी तरह निकल जाए यहां से बाहर। सही बात। तो मुझे भी लगता था मैं क्यों वापस जाऊं, लेकिन मैं, मेरे अंदर भारत को लेकर जज्बा, मैं लेफ्ट में था तब भी जज्बा भारत को लेकर बहुत जबरदस्त था। I always was very, क्योंकि मेरी शुरुआत जो हुई है वो हिंदू फिलॉसफी से हुई है। मेरी जो है वो शैविज्म क्या है, वेदांता क्या है, अद्वैत क्या है, जो ये पूरी फिलॉसफी है वननेस की, वो रिलीजन से कभी जुड़ी नहीं, तो मैं अछूता रह गया रिलीजन से। एंड यही दुनिया है, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं, ऐसा मैं आज भी मानता हूं। और सारा वर्ल्ड घूम के वहीं आ रहा है, देखिए सारा क्वांटम फिजिक्स वहीं आ गया ना, जो शिवा की फिलॉसफी है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की और वननेस की, वहीं आ गया। तो राहुल, जब राजीव गांधी आए, उन्होंने बोला कि आई विल बिल्ड अ न्यू इंडिया, और ये अमेरिका में एनआरआई फट से पकड़ते हैं इस बात को, तब मैंने कहा यार ये सही टाइम है जाने का, इज अ यूथ लीडर और भारत का नक्शे कदम बदलने वाले हैं, अब दिस इज द राइट टाइम टू पार्टिसिपेट। तो मैं यहाँ आया, फिर एक जॉब, इससे पहले आप अमेरिका में कितने साल रह चुके थे? दो हो गए थे मुझे, दो साल हो गए थे। तो नई नई नौकरी ज्वाइन की थी मैंने वहाँ पे न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे मुझे एक हमारे प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे एडवर्टाइजिंग इंडिया में सिखाई थी, तो वो मिल गए, उन्होंने बोला कि ये कोक सब जिलेट लॉन्च हो रहा है इंडिया में, नई एजेंसी आ रही है, वर्ल्ड की नंबर वन एजेंसी, मकैन जिसको बोलते हैं, या प्रसून जी हैं अपने जोशी, तो मकैन आ रही थी तारा सिन्हा के साथ कोलैबोरेशन में, तारा सिन्हा वॉज लाइक मदर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग। एंड तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ, काफ़ी पैसे ऐसे भी अच्छे दे रहे थे, और राजीव गांधी तब बन गए थे प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम टू कम, कि अब नया इंडिया हो, उस आशा में यहाँ आया, पर वो निराशा में बदल गई बात। एंड द चेंज, मैंने आपकी वो फिल्म की थी जिसमें आपका क्रिएटिव चेंज हुआ था जी, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम जी, और उससे पहले आपने अलग किस्म की फिल्में बनाई थी जो कि आपने खुद एडमिट किया कि मैं ये बनाना चाहता था। व्हाई डिड दैट चेंज हैपन, वो क्यों हुआ?
एक तो क्या हुआ खैर साहब, मैं कोई 20-25 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया, तो मैं ऐसा नया लड़का नहीं था कहता अरे ये चकाचौंध है या यहाँ आता। तो होता क्या, जब यंग लड़के आते हैं 20-21 साल के, तो उनको इंडस्ट्री के फिल्म स्कूल जो नहीं गए तो उनको सिखा दिया जाता है 2-3 साल में कि यही सही है, स्टार होगा तो ही फिल्म बनेगी। कोई अगर स्टार नहीं हो गया, कुछ और हो गया, जैसा भी आप हैं, तो इनके साथ तुम मेन रोल में फिल्म नहीं बना सकते, हालांकि आपकी तो पहली फिल्म वैसी थी सारा। तो 50 बातें सिखाई जाती है, और छोटे लेवल पे भी होता है क्योंकि बताया जाता है कोई नया छोटा जो जो सेक्रेटरी का भी सेक्रेटरी होता था दिनों, वो भी कहेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, ऐसे होता है। तो अननोन से रूल्स बना लिए उन लोगों ने, पार्टी पे खूब जाओ, चमचागिरी करो, ये करो, वो करो, स्टार अगर कुछ बोले चेंज तो कर दो। तो ये सब मुझे तो मैं उसे एज से क्रॉस कर चुका था, लेकिन फेस तो मुझे भी करने पड़ी वो बात। और हो क्या गया, मैं टीवी कर रहा था और आप ही के साथ सबसे पहला काम मुझे बंबई में आप ही ने दिया था। परसों ही रात को मैं किसी को बता रहा था, किसी ने मुझसे कुछ बात चल रही थी रिश्तों को लेकर, तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि हम अलग तरह से सोचता हूं मैं। मैंने कहा तो कहने लगा आप खेर साहब को क्यों लेते रहते हो। मैंने कहा इसलिए कि जब मैं आया था, मुझे सबसे पहला जो था काम बिना कुछ पूछे विश्वास के साथ खेर साहब ने दिया था, और अब ये अटूट रिश्ता है। खेर साहब मुझसे जैसा चाहे बिहेव कर लें, लेकिन मैं उनके साथ कैसा बिहेव करूं ये मेरी चॉइस है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया, इज इन बॉम्बे इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, और वो कर्म से मेरे भाई हैं, जन्म से तो नहीं है। अब बस अभी हो गया, अब इसमें कोई बात ही नहीं बची, अब इसमें कोई डिबेट नहीं, डिस्कशन नहीं, सोच नहीं, रीथिंकिंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, जैसे रिश्ते होते हैं परिवार के, कभी एक दो महीने बात भी नहीं की, रूठ भी गया, ये हो गया, लेकिन रिश्ता तो अटूट है, इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं कि फिल्म नहीं चली तो कल से बात बंद। तो मैं जब ये कर रहा था, मुझे भी यही सब सिखाया गया, हर एक्टर मुझे जिन मैंने बड़े, तो टीवी में एक मेरी फिल्म थी, वो प्रोड्यूसर ने कहा यही बनाओ, तो मल्टी स्टारर, और पता नहीं कुछ ईश्वर की नियति थी कि पहली फिल्म मल्टी स्टारर हो गई। अनिल कपूर साहब, सुनील शेट्टी, इरफान खान, इमरान हाशमी, अरशद वारसी, तो उस वक्त ये सब अपने अपने, मुन्ना भाई से अरशद आया था, पीक पे थे। तो मैंने वो फिल्म की, ऐसा नहीं कि मेरा अनुभव कोई बुरा रहा उसमें, लेकिन जो मैं चाहता था वो नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली फिर जब फिल्म आने लगती है तो हर आदमी को लगता है ये मेरी फिल्म है, हर अपने तरह से लोग डिक्टेट करने लगते हैं। फिर मैं दूसरी फिल्म जबकि गोल, उसने मेरे को बहुत उसने झजोर के रख दिया मुझे। मुझे ये समझ में आया कि मैं इतना, मैंने कोक लॉन्च किया, जिलेट किया, इतनी पढ़ाई की, मैं जीवन का तजुर्बा भी है, मैं उम्र में भी बड़ा हूं, लेकिन अल्टीमेटली वो फिल्म उस हीरो की, स्टार की ही हो जाती है जो उसमें फीचर कर रहा है। अगर चक दे और गोल एक ही साथ रिलीज हुई थी, और मुझे ये बात एक नहीं कई अच्छे लोगों ने जो एनालिस्ट टाइप के होते हैं फिल्म को नहीं बोला, और ये सत्य भी है, आप चक दे में जॉन अब्राहम को डाल दीजिए और गोल में शाहरुख खान को डाल दीजिए और दोनों का बॉक्स ऑफिस टर्नओवर रिवर्स हो जाएगा। जो चक दे का था, जो गोल का था, वो चक दे का हो जाएगा, चक दे का था गोल का हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर किसी का कोई मतलब ही नहीं है, प्रोड्यूसर आपकी सुनता नहीं, स्टार्स आपकी सुनते नहीं, मार्केटिंग वाले आपकी सुनते नहीं, और ऑडियंस को भी इससे मतलब नहीं है कि आप क्या बना रहे हैं। उनको 2005 की बात बता रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार सिस्टम। तो मैं थोड़ा छटपटाने सा लगा, पैसे से भी नहीं थे, बड़ी बुरी भी हालत थी उस वक्त। तो पर मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने कहा मेरे को नहीं करना यहां पर काम, तो मैं वापस एडवर्टाइजिंग में जाना नहीं चाहता। इज देयर एनी इंसिडेंट और नाइट, जैसे आदमी ये मैं अकेला जा रहा था, जैसे मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ, मैं बहुत काम कर रहा था, बहुत मतलब मैं सुबह इधर भागता था उधर भागता था। तो एक दिन मैं मैसूर से बैंगलोर आ रहा था भाई रात को कार में 2:30 बजे, और मुझे बैंगलोर से फ्लाइट पकड़नी थी बॉम्बे, बॉम्बे से फ्लाइट पकड़नी थी चेन्नई, चेन्नई में शूटिंग करके वापस मुझे ये आना था, ये आ रहा था। तो मैं लेटा हुआ था और सडनली, ये मुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलता, सडनली मैंने लगा कि कुछ नाक से कुछ बह रहा है। मैं पीछे लेटा हुआ था 2:30 बजे रात को, वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी पीछे लेटा हुआ था। तो मैंने ऐसे किया तो देखा, तो उसमें स्ट्रीट लाइट से देखा खून था, तो मेरी नाक से खून बह रहा था। तो मैंने कहा खून खून क्यों बह रहा है। फिर मुझे उस दिन समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रनिंग फास्ट नोवेयर, मैं अपने आप से इस बात से बड़ा इंप्रेस्ड हूँ कि मैं कितना बिजी एक्टर हूँ, मैं वो सब लोग चाहते हैं, मुझे सब लोग चाहते हैं कि मेरी फिल्म में ये हो। और मैंने उस दिन डिसीजन ले लिया कि जो अगर मेरी साल में 21-22 फिल्में आती थी, हाँ पता है मुझे, है ना, तो मैंने उस दिन डिसीजन ले लिया कि मैं एक दिन में एक एक्टर जो है
वो सिर्फ 3 या 4 मिनट काम करता है जो रजिस्टर होता है, कैमरा एक्शन कट, उतना अगर वो जोड़ा जाए तो वो 4 मिनट ज्यादा था, 5 मिनट है। तो 5 मिनट के लिए मुझे अपनी 100% सिंसेरिटी देनी है, और मैं उस 5 मिनट में सोच रहा हूं, मैं लेट रहा हूं, सो रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं, फोन पे बात कर रहा हूं, ये भी काम का जिम्मा है। दैट चेंज मी, दैट समथिंग लाइक दिस हैपन विद यू, दैट एन इंसिडेंट विद, हाँ मतलब बिकॉज आदमी ऐसा तो नहीं बैठ के सोचता कि अब मैं ऐसा नहीं, वो इंसिडेंट मैं भूल चुका हूं, वो नहीं, पर फिर भी मैं आपको उसको एक अलग तरह से कोशिश करता हूं बताने की। एक बहुत बड़े स्टार है, कई बार छोटा छोटा हो रहा था, पर फाइनल नेल जो क्या हुआ कि जैसे अब गोल कर रहे हैं, अब कुछ उसमें पहले किसी और स्टार को लिया हुआ था, साइन किया हुआ था, उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, तो उन्होंने बोला मैं 2-3 महीने बाद करूंगा शूट, फिर उसके बाद हो गया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं इतने 3 महीने का रिहर्स वो प्रैक्टिस नहीं करूंगा फुटबॉल की, और हम कर रहे थे प्रीमियर लीग के प्लेयर्स के साथ फिल्म शूट, तो कैसे खेलोगे तुम उनके साथ, तो उनके ये सब प्रॉब्लम थे। तो कहीं कुछ बात हुई कि मैं भी नया था, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, तो किसी ने पूछा कि भाई उनको क्यों नहीं आपने चेंज क्यों कर दिया, मैंने कहा भाई वो रिहर्सल वो करने को तैयार ही नहीं थे, सत्य भी था। अच्छा, उन्होंने फोन कर दिया रॉनी स्क्रू वाला को, रॉनी ने मुझसे कहा अरे ऐसा कैसे बोल सकते हो यार, मैंने पर आप तो जानते हो ये सच ही है, बोले अरे ऐसे थोड़ी बोला जाता है, मैंने ठीक है नहीं बोलेंगे। फिर कोई कहता था अच्छा तो सच क्यों नहीं बोला, झूठ झूठ क्यों बोला, सबके अपने प्रॉब्लम थे। किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी गर्लफ्रेंड मुझ पे आके कुछ कुछ बोलने लगी तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने कहा तुम्हारे सामने खड़ा हूं ये सच है कि इसमें क्या गलत बात है यार, नहीं नहीं ये, तो मुझे लगा कि ये बिना बात के इश्यूज बनाते हैं, रूठ जाते हैं, ये करते हैं, एक्टिंग नहीं करते ढंग से, तो मुझे भी सरोज खान की तरह पब्लिक में सेट पर गाली दे देनी चाहिए, उनकी तो खूब सुनते क्योंकि वो गाली दे रही है, मैं नहीं दे सकता हूं मेरी मजबूरी है, तो उसका एनीवे तो वो अलग बात थी। तो हुआ क्या कि एक मैं फिल्म कर रहा था और ये चीजें चल रही थी, आई वॉज नॉट लाइकिंग द होल सेटअप, और उस फिल्म वर यू नॉट लाइकिंग द सेटअप और वर यू फीलिंग ह्यूमिलिएटेड? आई वॉज फीलिंग एज इफ डायरेक्टर एंड राइटर मींस नथिंग इन दिस इंडस्ट्री, ओके, दैट्स व्हाट आई वॉज फीलिंग, एंड आई सेड दिस इज नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर। तो हुआ क्या कि लास्ट नेल था, उसके बाद मैं एक फिल्म कर रहा था, एक स्टार है जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया था, बड़े बहुत बड़े स्टार, कुछ उनकी उनके भाई के साथ इशू चल रहा था, अब वो फिल्म हो गई डिले, उन्होंने मुझसे बोला इसलिए डिले हो गई कि उनके भाई कहीं छुट्टी पे गए हुए थे, तो मुझे मीडिया वाले मुझे फोन कर रहे हैं लगातार लगातार कि भाई क्यों हो गई क्यों हो गई, तो मैंने कहा कि नहीं भाई वो हैं वो बाहर गए हुए हैं, जब वो लौट के आएंगे उसके बाद फिर हम करेंगे, इसमें क्या गलत बात है, मुझे आज भी लगता है उसमें कोई गलत बात नहीं है। उनके एक दोस्त या मैनेजर जो थे उनका फोन आया, आप मैरियट में आइए इतने इतने बजे मिलने, ऐसे उनने ऑर्डर किया जैसे कि प्रधानमंत्री आपको बुला रहे हैं आप पुलिस स्टेशन में, और मेरे को तब मैंने कहा ऐसे ही बुलाया वो लंच वंच के लिए, मैं चला गया। उन्होंने मुझसे वहाँ पे एक चीज़ बोली, एंड थैंक यू थैंक्स ही सेड दैट दैट चेंज माय लाइफ, उन्होंने मुझसे बोला तू मुझे जानता नहीं है, अच्छा मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, माँ बहन की गालियाँ दे के बोला, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, तू इस धरती पर रहने लायक नहीं बचेगा। तो मैंने कहा मैं बहुत वो हो गया, एक फिर मेरा जो दब्बू बच्चा था वो एकदम से हो गया, मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि विश्व में कोई आदमी कभी ये बात बोल सकता है, किसी को भी उससे पहले और उसके बाद किसी ने बोली नहीं। तो मैं लौट के जब आया मैंने पल्लवी से कहा पल्लवी देखो यार मैं इस माइंडसेट में फंस गया हूँ कि बिना स्टार के कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं सुन लेता हूँ ये बातें, वरना मैं भोपाल का जो गुंडा हूँ तो मैं वहां पे लातों से कुचल देता उस आदमी को, और मैं किसी का नौकर बन के काम नहीं कर सकता हूं, तो या तो मैं एडवर्टाइजिंग फिर से ज्वाइन करूं या टीवी सीरियल करूं जो मैं करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो डेली होने लगे थे, तो पर मैं पढ़ाता अच्छा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा, एंड आई डिड दैट, पल्लवी सेड डू इट, और वो 1-1.5-2 साल की जो मेहनत थी वो सब वेस्ट हो गई, फिल्म की सब बर्बाद हो गई, उसके बाद मैंने जवाब भी नहीं दिया, फोन भी नहीं उठाया, मैं चला गया। फिर मैंने इधर मैनेजमेंट में आई एम में आई एस बी में पढ़ाना शुरू किया, बहुत बुरे हालत में था, यानी फाइनेंशियली भी बच्चे हुए थे तो पल्लवी भी काम नहीं कर रही थी, पर पढ़ाने से रोजी रोटी तो चली जाती है, और फिर मैंने भोपाल में एक मेरे वहाँ पे बात कर ली थी कि वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगूंगा। So you were ready to leave everything? Not ready, I left. Oh, you left? I started teaching. तो मैं तो regularly पढ़ा था, तभी तो मैं वहाँ ISB में हैदराबाद में workshops वगैरह कर रहा था उनके साथ, उसका मॉड्यूल का नाम था आई एम बुद्धा, और आई एम बुद्धा वॉज अ मॉड्यूल फॉर ग्लोबल लीडरशिप,
तो वो पढ़ाता था, एक टेक्निकल चीज है, मैंने पढ़ी थी तो मैं पढ़ा सकता था। तो वो स्टूडेंट्स का एक प्रोजेक्ट था जो उनको करना था। उस बोले भोपाल चले गए आप? हाँ, पढ़ाने के लिए। हाँ, पर आईएसबी में जब मैं इधर उधर कर भी रहा था, दिल्ली में इधर उधर जा रहा था, आईएसबी हैदराबाद, आईएसबी हैदराबाद, तो वहाँ स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला, हम एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं 15-20 मिनट की, आप उसे मेंटोर कर दीजिए। तो अंदर का फिल्म मेकर जग गया। मैंने कहा, यार तुम कल के फ्यूचर सीईओज हो, क्या नालायक लोग हो, अपने पैसे से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, कोई देखेगा नहीं। अरे पैसा रेज करो, एक फिल्म बनाओ जाके। तो वो ले आए कहीं से 1.25 करोड़ रुपया, और उन्होंने बोला कि पर हमें तो बनानी नहीं आती, आप बनाइए। तो मैंने कहा, ये अच्छा है, ये बॉलीवुड से दूर अलग इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स कैंपस में बनेगी, क्या फर्क पड़ता है। तो तब मैंने दो निश्चय किए। मैंने कहा कि अब उन्हीं लोगों के साथ काम करेंगे जिन पे हम बिलीव करते हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम पे बिलीव करें या वो हमारी कहानी पे बिलीव करें। वो तो एक रिश्ते से बनेगा, जब वो 2-3 फिल्म करें, काम करें, तब वो हम पे बिलीव करेंगे। पर हमारी इंस्टिंक्ट क्या कहती है कि किसके साथ काम करना चाहिए। तो फिर एकदम नए नए कैमरामैन, नए साउंड वाले, नए सब लोग, उनको पकड़ा जो कि उस तरह से स्टूडेंट माइंडसेट से करना चाहते थे। और तब मैं आपके पास आया और आपने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल करेंगे। और बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम बनी, मुझे याद है आप आए थे तो होटल होटल में बुकिंग थी आपकी, फिर आप हॉस्टल में रुक गए लड़कों के साथ। करेक्ट, आई रिमेम्बर दैट, दैट्स अ नाइस जेस्चर। और मैंने सिर्फ आपके टाइटल पर मैंने ये फिल्म की थी। हाँ, मैंने आई थिंक मैंने पहले तो सुना भी नहीं था। हाँ, मैंने, मुझे कमाल का टाइटल लगा, बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम। हाँ, जैसे मुझे अभी एक अमेरिकन डॉक्टर ने जो अल्जाइमर्स पे काम करते हैं और वो योगा के थ्रू उनको ठीक करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू उनको ठीक करते हैं, उन्होंने किताब प्रेजेंट की है, डॉक्टर सेन उनका नाम है दुकान, मतलब डॉक्टर का, उन्होंने लिखी है एक किताब, व्हाई बुद्धा नेवर गॉट अल्जाइमर्स। वाह, अच्छा नाम है, गुड टाइम। तो मैंने तो कहा, हाँ आप आइए मुझे मिलने के। मैं उनको जानता नहीं था। मैंने कहा, एक किताब लिखी है उन्होंने, मैं आपसे उसके बारे में इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, किताब का नाम क्या है? कि व्हाई बुद्धा नेवर गॉट अल्जाइमर्स। मैंने कहा, मैं आते करता हूँ। एंड देन दैट फिल्म आपकी हमारी शुरू हुई, और दैट वाज अ डिफरेंट मैन। हाँ, तब मैं फिर मैं रियल जो मैं हूँ, वहां से वो जर्नी शुरू। 6 साल बंद पड़ी रही, प्रॉब्लम ही हो गया। तो फिर बुरा, आपको लगता है कि ठोकर खाने से इंसान या तो बिगड़ सकता है या बन सकता है ना? आज देखिए बॉलीवुड का दुर्भाग्य क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे कनेक्ट करने, वो ये है कि पहले देखिए जितने यश जी थे, जो भी जैसे भी जो डायरेक्टर थे, आप आज अच्छा बोले, लेकिन वो सब ने ठोकरें खाई थी जमीन से, थे स्ट्रगल थी उनके साथ। जी, बिल्कुल। अब आज पूरा का पूरा कारोबार किन लोगों के हाथ में, जिनने कभी कोई स्ट्रगल ही नहीं की। स्ट्रगल तो छोड़िए, मतलब जो एकदम चांदी के पल्ले में बड़े हुए हैं और बस ईश्वर की गलती हो गई कि हिंदुस्तान में गलती से पैदा हो गए, होना कहीं और चाहिए था। तो उनकी गलती नहीं, प्रतिभाशाली है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि जीवन में चोट नहीं खाई है। देखिए नदी भी अपना रास्ता कब समझ में आता है नदी को, पहले तो वो पत्थरों से टकराती है, कितनी टूटती है वो नदी, जब गंगोत्री उतरती है तो आप हिमालय में देखिए वो दृश्य, पत्थरों से टूटती है, उछलती है, फिर गिरती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, मतलब एक इतने संघर्ष के बाद जाके यूं गोल गोल इधर उधर कहीं कहीं होके फिर धीरे धीरे उसको समझ में आता है, तब फिर उसमें गहराई आती है, फिर वो सीधी बहती है एक दिशा में, उसे समझ में आता है। पूरी प्रकृति विश्व का नियम है, कौन सी ऐसी चीज है, वो जो कोपल भी फूटती है उसके पहले उसमें भी इतनी वायलेंस होती है, वो स्ट्रगल कर रही है फूटने के लिए। तो इवन जो अंडे से वो सब चूचा निकलता है, सब, जो या तो स्ट्रगल तो बहुत आवश्यक चीज है। और मैं तो कोशिश करता हूं, अभी मैं आपको जैसे अभी हम फिल्म जो कर रहे हैं ये वैक्सीन वाली, आप भी जो कर रहे हैं, अब उसमें मैं एक जगह जाके फंस गया था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अटक गया था एक जगह, क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था, कश्मीर फाइल्स हिट हो गई, ये हो गया वो हो गया, थोड़ा अच्छी जगह रहने लगे, खाना भी अच्छा खाने लगे, तो थोड़ी लाइफ कंफर्टेबल हो गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मुझे लगा कि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इस कारण, और कुछ ऐसा पब्लिक लाइफ में सोसाइटी में कुछ ऐसा हुआ कि एक झापड़ पड़ा, आप एक सेकंड में लोगों ने आपको यहाँ ला के रख दिया। उस पूरी रात बैठ के मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म कर दी, एंड इट्स अ वंडरफुल स्क्रिप्ट नाउ, क्योंकि जब तक वो दर्द से ही सब। बट उसकी मैं आपकी बातों से मुझे मेरे जहन में एक सवाल आया
जैसे मुझे कभी कभी सिकंदर कहता है कि मैं सिकंदर को जब मेरा बेटा मैं उसको बोलता हूँ कि भैया मैंने बहुत स्ट्रगल किया तुम जानते हो, उसने कहा डैड दैट इज योर लाइफ, व्हाट इज माय फॉल्ट इफ आई हैव। तो फिर उसने ठोकरें खाई अपने प्रोफेशन में अपने इधर, फाइनली अब वो एक्टिंग, बिकॉज एक्टिंग जानता था, आप उसको बचपन से जानते हो, सिकंदर को निखरा था वो, लेट निखरा है ना, दो झापड़ पड़े, दो झापड़ पड़े जिंदगी, निखर गया एकदम से। तो आपके बच्चे हैं दो जी, मनन और मलिका जी, कल को वो कंफर्ट, वो उन्होंने तो ठोकरें नहीं खाई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो जरूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली ठोकरें खाएं, ठोकर का कुछ जीवन की ठोकर से कोई लेना देना, तो जीवन की ठोकर पे बता, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे ठोकरें खा के सीखें? मैं तो क्रिएट करता रहता हूँ सिचुएशंस उनके लिए इस तरह की, मैं तो बहुत क्रिएट करता हूँ, और आप सेट पे भी देखते हैं कभी उन्हें ट्रीट भी नहीं करता, पर मैं चाहता हूँ, जैसे अब मेरी बेटी है अब वो बाहर काम कर रही है अभी, और उसका ह्यूमिलिएशन भी होता है, उसका तिरस्कार भी होता है, पॉलिटिक्स भी होती है, सब होती है, मैं कभी सुनता भी नहीं, मैं कहता हूँ नहीं अपना रास्ता ढूंढो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम नदी हो, अपना पत्थरों में टूटो, बंद हो जाओ, कितनी नदियां हैं वो तो उछलते उछलते सूखी जाती है, 1500-2000 नदियां ऐसी हैं जो निकली तो है पर शुरू ही नहीं, मंजिल तक पहुंची नहीं, और कई ऐसी हैं जो बिना किसी और नदी के सहारे के वहीं जाके मिल जाती हैं, उनकी जिंदगी का कोई अस्तित्व नहीं। बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया नदी का, बहुत खूबसूरत, अस्तित्व ही नहीं है उनका, वो दूसरी में वो अभी तो यमुना थी, थोड़ी देर के बाद गंगा हो गई, यमुना खत्म, राइट। तो बच्चों को मैं तो चाहता हूँ बहुत संघर्ष करें, और संघर्ष करते रहे, देखिए जब तक दिल 2-4 बार टूटेगा नहीं ना, तब तक उस दिल का एहसास ही नहीं होगा आपको, और क्रिएटिविटी निकलेगी ही नहीं वहां से जब तक पीड़ा नहीं होगी जीवन में। पीड़ा का मतलब पैसे से ही रिलेटेड नहीं है, समझ गया, दिल टूटना बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक है। कश्मीर फाइल देखिए, आपको और मेरे को पता है हमने किन हालात में बनाई है, इमोशनल किन हालात में, फिजिकल तो चलो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे थे हम कि भाई डिफिकल्ट में शूटिंग थी, ये हालात ठीक नहीं थे, रात रात भर शूटिंग करते थे, बट इमोशनली बोथ ऑफ अस एंड इंक्लूडिंग द रेस्ट ऑफ द कास्ट यूज टू क्राई आफ्टर एवरी शॉट, यूज टू फील आई, वो जो मेरी डेथ पे सीक्वेंस में जो आप आए थे और हम बिलक बिलक के रोए थे, अभी भी मैं उसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में बात करता हूँ तो आंख में आंसू आते हैं जी, और उसको भगवान ने बहुत अपार सफलता दी, नॉट ओनली फ्रॉम ए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम रीचिंग आउट टू पीपल्स हार्ट, दिल से निकली फिल्म लोगों की आत्मा तक पहुंची, बहुत चेंज किया, बहुत ही उसने चेंज किया, बहुत सारे कश्मीरी लोग जो हैं उसको, नॉट ओनली कश्मीरी लोग, दुनिया के अलग अलग तबके के लोग, आपने तो ज्यूज को दिखाई, अफ्रीकन अमेरिकन को दिखाई, और आपका एक नया रूप निखर कर आया, या प्रखर हुआ, निखर के नहीं आया, प्रखर हुआ कि आप फॉर ए लैक ऑफ एनी अदर वर्ड, आप दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गए सच के लिए, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कश्मीर फाइल्स का एक सच था। आपको मन में कभी कभी आता है कि ये जो छापते रहते हैं, जो अलग अलग बकवास करते रहते हैं लोग, चाहे वो इफी के प्लेटफॉर्म पे हों या चाहे कोई टिपिकल यूजुअल सस्पेक्ट हो, कि मैं इनको इग्नोर करूं, या होता नहीं? नहीं नहीं नहीं, होता, मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में बात बताता हूं, मैं आपको शायद पता कभी बताई हो, हमारे घर में, हमारे गांव से हमारे ताऊ जी जैसे, रियल नहीं पर राम प्रकाश उनका नाम था, तो वो आया करते थे कभी भी, बिना बताया कभी भी आ जाएंगे रात की ट्रेन से 10 बजे 11 बजे, तो और वो छत पे ही सोते थे, चाहे कुछ ठंड हो सर्दी हो कुछ भी हो, तो मेरी माँ ठंड के दिनों में उनसे कई बार पूछी, भैया ठंड तो नहीं लगी रात को? कहते राम प्रकाश सिकुड़ता रहा ठंड में, पर मैं तो चैन से सोया भाभी। अच्छा, ये वो बोलते थे, तो मैं छोटे 4-5-6 साल अपने बारे में ही बोल रहे थे, हाँ, कि राम प्रकाश को ठंड लगती नहीं पर मैं तो चैन से सोया। वाह, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को अपनी आइडेंटिटी से अलग कर लिया था। वाह, थर्ड पर्सन में बोलते थे। हाँ, तो वो कहते थे कि खा लिया, तो कहते थे कि देखो राम प्रकाश का तो पेट भर गया, पर थोड़ी मेरी नीयत भाभी नहीं भरी, दो मिठाई और दे दे, इस तरह ऐसा करिए। तो मेरा क्या, मैं अब थोड़ा अलग लेवल पर जिंदा रहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता फर्क पड़ता कौन क्या करता, लेकिन एक
आप एक इमेज भी बनती है आपकी ब्रांडिंग, और उसके अलावा लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, किसी ने ऊटपटांग छाप दिया कि अरे उन्होंने जाके माफी मांगी, तो अब वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, लोग आपसे उम्मीद नहीं, तो उसको भी करेक्ट करना है, वो भी ठीक करना है, आपकी फिल्म के बारे में किसी ने बोल दिया तो फिल्म भी तो आपका बच्चा है तो उसको भी डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो ये एक सतही लेवल पे ये सब चीजें मैं करता रहता हूं। लेकिन इस एक एक जो थप्पड़ है मैं कोशिश करता हूं कि अंदर दर्ज हो, मैं महसूस करूं, क्योंकि अब मैं जो अगली फिल्म बना रहा हूं मुझे उसमें बहुत ही रॉ मटेरियल चाहिए। तो पर थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ये मुझे एक्सपेक्टेड था क्या होगा, आई साइंड अप फॉर दिस, लेकिन कुछ लोगों से मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि वो लोग इस तरह से बिहेव करेंगे। मैं कई लोगों को सोचता था वो संवेदनशील होंगे, इस फिल्म को बख्श देंगे, लेकिन उन्होंने पर्सनल चीजों को आगे रखा और ट्रेजेडी को पीछे कर दिया और उन्हें ह्यूमैनिटी को पीछे कर दिया, और वो मुझे लगा कि थोड़ा अनजस्ट था। कई लोग हैं ऐसे, देखो ताशकंद फाइल्स को इतना ज्यादा लोगों ने, ताशकंद फाइल्स बिकॉज उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं थी या वो पहले आई थी और वो नैरेटिव उन्होंने नहीं क्रिएट किया, उन्होंने नहीं किया। हाँ, शास्त्री जी का नैरेटिव क्रिएट करने वाले जो थे उन्होंने मुझे बड़े लीगल केसेस किए, कांग्रेस ने तो मेरे को 4-6 अभी भी चल रहा है एक तो केस मेरा, काफी केसेस किए उन्होंने, बहुत सारे किए मेरे ऊपर, तो लेकिन वो अलग लेवल पे था, वो आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं था तो आम आदमी को नहीं लगता। पर इसमें क्या है ना, वेस्टेड पार्टीज इतनी ज्यादा है। अब आप ये बताइए कि वो मीडिया के वो लोग जिन्होंने बोला कि कश्मीर से पंडितों को इसलिए निकलना पड़ा क्योंकि वो शोषण करते थे, वो जमींदार जैसे थे और गरीब मुसलमानों का शोषण करते थे, इसलिए वो लोग छोड़ के निकल गए। जिस जर्नलिस्ट ने ये बोला वो तो लड़ेगा इस फिल्म के साथ, राइट, जो लोग जिहाद कर रहे हैं वो तो लड़ेंगे, तो इसी तरह से वो प्रोफेसर लोग, वो पार्टी। आप मुझे एक बात बताइए, इस फिल्म में किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी कांग्रेस या किसी का नाम नहीं लिया गया। अगर फिल्म में दिखाया गया है तो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब को दिखाया गया है कि वो एक सीन है जिसमें रिजाइन करते हैं। तो मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट क्यों है? आप पार्टी जो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त में, उनकी क्या स्टेक्स हैं, वो इसके अगेंस्ट क्यों है? आरजेडी तो नहीं है, सपा तो नहीं है, टीएमके तो नहीं है, एआईडीएमके तो नहीं है, तो जो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो लोग गाली देते हैं पब्लिक में, आज कोई कुछ भी बोलता हो लेकिन सबको ये तो समझ में आता होगा कि कौन कौन गिल्टी पार्टी है, सब निकल निकल के आ तो रहे हैं कम से कम। आप ये देखिए कि ज्यू कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अफ्रीकन अमेरिकन को प्रॉब्लम नहीं, ब्लैक्स को प्रॉब्लम नहीं, किसी कम्युनिटी को दुनिया के प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फिल्म 3-4 फिल्म फेस्टिवल्स में ऑफिशियल सिलेक्शन है, स्विट्जरलैंड में अभी आज ही हुई है, मैं पहली बार बता रहा हूँ, गोल्डन ग्लोब अभी मैं अमेरिका गया था 3-4 दिन के लिए, इफी में आपने देखा कैसे भरा हुआ था, खचाखच ऑल ब्रिलियंट। आज ही मुझे वो मिले थे जो ऑस्कर की ज्यूरी उरी करते हैं, उसके चेयरमैन साहब आज मिले थे मेरे को सुबह किसी एक फंक्शन में, तो वो मुझसे कह रहे थे कि हमारी फिल्म के लिए कितनी लड़ाई हुई वहां ज्यूरी के अंदर, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे भी उनसे उन्होंने कहा था। हाँ, और उसके चक्कर में जो उनके सेक्रेटरी जनरल ने उनको सैक किया गया कि भाई आपने स्थिति क्यों उत्पन्न कर दी इस तरह की, क्यों हो गया। तो मतलब एक फिल्म को लेके इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में कोई मर गया और समझिए वो एकदम नलायक आदमी था, पर जब वो मर गया तो कुछ 13-14-15 दिन तक उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता है, चुप रहा जाता है, ये एक शालीनता की बात है। पर हमारे यहां तो फिल्म आने के पहले से ही लोगों ने बोलना चालू कर दिया तरह तरह का, और देखिए वही 3-4 शब्द हैं, उसके अलावा तीसरा के अलावा कोई इनके पास शब्द भी नहीं है, वही 3, चाहे वो बाहर से आए लोग हो, चाहे फिल्म मेकर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जो, वही 3-4 शब्द, फैसिस्ट, प्रोपेगेंडा और क्या बोलते हैं, पैसे कमाती, 3-4 ही इनके नैरेटिव्स हैं। अभी तो एक और उन्होंने ऐड कर दिया था, वल्गर, वो तो देखिए लिख के दिया, वो पढ़ा पढ़ाया जोड़ा वल्गर इसलिए क्योंकि ये नाजी के वक्त से प्रोपेगेंडा के साथ वल्गर शब्द जोड़ा गया था। अच्छा, इट्स अ वेरी ज्यू टर्म, राइट, तो वो उनकी मातृभाषा में वल्गर शब्द जो है उन्होंने इसलिए उसका इस्तेमाल किया, मतलब एकदम वल्गर, मतलब इससे घिनौनी और गंदी चीज कोई नहीं हो सकती। लेकिन अब चूंकि उसकी बात ही उठी है, अब उनने बोला कि इसमें क्यों, उनसे पूछा किसी इंटरव्यू में कि क्यों आपको लगता है वल्गर है, कहता है इसलिए वल्गर है कि इसमें जो विलन दिखाया गया है उसको कार्टून की तरह दिखाया, वो बार बार अपनी आंख ऐसे करता है, ऐसा कभी होता है क्या,
ये तो फिल्में सिर्फ लोगों को करने के लिए किया। अच्छा, बोला मैंने सब सब लिख रहे हैं उसके। मैंने एक फॉरनर ने लिखा है, तो एक ऑस्ट्रेलिया के इंटेलेक्चुअल है, आजकल काफी फेमस भी है इंडिया में, वो आए थे, उनका राजदीप जी ने इंटरव्यू वगैरह किया था। तो उन्होंने परसों नर्सों एक पोल किया, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए इस फिल्म का रियल विलन कौन है, वो बिट्टा या एक हिंदू प्रोफेसर जेएनयू की। 75-80% आम आदमियों ने, हजारों में रिस्पॉन्ड किया, सबने बोला वो हिंदू प्रोफेसर वहां की। तो उन्होंने बोला अगर इस आदमी का पर्पज यही होता तो वो हिंदू प्रोफेसर क्यों दिखाता। अभी लोगों का ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों। That's so true, yes. फिर कहते हैं कि तो वो कहता है ज्यूरर की भाई इसमें हर मुस्लिम बुरा क्यों है, या तो मैं फिल्म मेकर नहीं हूं या वो फिल्म मेकर नहीं है, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या वो दुनिया का सबसे वल्गर झूठा आदमी है। फिल्म का जो पहला ही सीन है उसमें जब मुस्लिम लड़के एक हिंदू लड़के को मारते हैं तो उस हिंदू लड़के को बचाने वाला एक मुस्लिम लड़का है। करेक्ट। ऐसे 25 एग्जांपल्स हैं फिल्म में जहां बड़े अच्छे अच्छे लोग। नहीं नहीं, मैं तो आपसे एग्जांपल मांग भी नहीं रहा, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। तो मुझे दुख ही होता है कि क्या लोग अंधे हैं। फिर मैं जब कोई कहता है कि आपकी फिल्म तो प्रोपेगेंडा है, ये प्रॉब्लम है, फिर मैं उनसे कहता हूँ, इंटरव्यूज में बोलता हूँ ऐसे रनिंग टीवी के इंटरव्यू में, आपने फिल्म देखी है? कहते नहीं नहीं मैंने देखी नहीं है। फिर भी बोलते हैं प्रोपेगेंडा है। लेकिन जिसने देखी है, आपको पूरे विश्व में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने देखी है सिनेमा हॉल में, जो ये ना बोले कि मैं 3 घंटे मेरे टिश्यू पेपर खत्म हो गए, मेरे रुमाल वो हो गए। और मतलब आपका मैं सच बता रहा हूं, दुनिया में जहां जाता हूं एवरीबडी टेल्स मी, मुझे मिलने वाले भी मेरी एज के लोग होते हैं सब, एवरीबडी टेल्स मी वन थिंग कि खेर साहब की डेथ सीन में मुझे लगा मेरा सगा बाप मर गया। और मैं भी आपसे जो रोया था इसीलिए, व्हेन माय फादर डाइड आई नेवर क्राइड आफ्टर दैट, कभी एक आंसू नहीं निकला मेरे, मैं अंदर उसको रख लिया। पर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मरे मेरे पिताजी उस दिन थे, उनकी अंतिम संस्कार आज हुआ है, ऐसा मुझे लगा। तो वो भावनाएं, जो प्योरिटी ऑफ इमोशन है, वो अलग चीज है खेर साहब। और अब आप बना रहे हो द वैक्सीन वॉर। हाँ, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ा है जी, मतलब डिटेल्स में नहीं पढ़ा, आपने मुझे बताया, और आप दुश्मन खड़े कर रहे हो। पर क्यों? मैं दुश्मन जो दुश्मन ही रहेंगे। मेरे हमारे एक्टिंग के टीचर कहा करते थे, गुलशन जी फिल्म इंस्टीट्यूट में थे, कह रहे थे कि आप सोते हुए इंसान को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको क्या, उसको कैसे जगा सकते हैं। तो आपने तो टाइटल सिर्फ बोला तो उसमें फिर शुरू हो गए कुछ, आपने कुछ लोगों का जवाब भी दिया। मुझे अच्छा लगता है आप जब जवाब देते हैं जी, बिकॉज लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है जी, वरना वो आपको डरपोक समझ लेते हैं। नंबर वन। नंबर दो, उनके हौसले बुलंद होने चले शुरू हो जाते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी अनपॉपुलर समटाइम्स विद सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी पॉपुलर विद योर ओन सेल्फ फर्स्ट। कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये मेरे दिल से निकल रही है, तो मैं अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ, मैं चुप क्यों रहूँ? क्योंकि आप और मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने बारे में कि मैं जमीन से आया हूँ, नीचे से आया हूँ, मैं खुद बनाऊँ जो भी बनाऊँ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, काम से डराएंगे ना कि काम नहीं देंगे। आप हो, नीरज पांडे हैं, सूरज बरजाते हैं, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग काम देने वाले के लिए तैयार हैं। तो वो जो है वो डर, जिसमें वो डर नहीं होता उसमें एक बड़ी ताकत का एहसास होता है। इज इट ओके टू टेल अस लिटिल बिट अबाउट वैक्सीन वॉर? क्या देखिए, ये भी एक अद्भुत सी बात है, कश्मीर फाइल्स रिलीज हो रही है। बड़ी, मैं उससे पहले बोलना चाहता हूँ, बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है वो भी। जी जी जी, बहुत इंस्पिरेशनल, इतनी अद्भुत बात है कि कश्मीर फाइल्स, ये मेरे ख्याल से लास्ट अक्टूबर नवंबर की बात होगी, तो जब हम सोच रहे थे अब रिलीज करेंगे पर फिर से वो रुक गई क्योंकि थिएटर बंद हो गए महाराष्ट्र में और दिल्ली कई जगह पे, वो थर्ड कुछ चल रहा था उस वक्त। तो तब मेरी अचानक मुलाकात हुई एक सज्जन से जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, उन्होंने किताब लिखी थी गोइंग वायरल जो कि वैक्सीन के बारे में। तब तक सबको पता था वैक्सीन इसने बनाई, उसने बनाई, ये बनाई, वो बनाई, 50 मीडिया में आता रहता था। और मुझे बातचीत करते, तुमने मुझे छोटी सी किताब थी तो मैंने पढ़ना चालू, एक फ्लाइट में खत्म हो गई, इतनी छोटी किताब है, मतलब 100-125 पन्ने की होगी और बहुत फास्ट और बहुत अच्छी लिखी। उसमें लास्ट में एक पैराग्राफ था, वहां तक तो ठीक है, वैक्सीन ऐसे बनी वैसे बनी वैसे बनी, एक पैराग्राफ था कि दिस वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ
women empowerment, because more than 70-75% people who worked on this were women. And most of the women worked despite all the problems and all that. मैंने कहा अरे हम तो सोचते थे कोई और. फिर मैंने उन लोगों से मिलना चालू किया. एंड जैसी हमारी माँ बहनें होती हैं जिनको आज की फेमिनिज्म में एम्पावर्ड मानते ही नहीं है लोग, क्योंकि वो ब्यूटी सलून नहीं जाती, फैशन भी नहीं करती, जो काम भी करती हैं, अच्छा घर जाके रोटी भी बनाती हैं गरम गरम, और वैक्सीन भी बनाती हैं, वैक्सीन बनाती है, कमाल है, राइट, वैक्सीन भी बनाती हैं, और वो जाके गाय को भी दो रोटियां खिलाती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, करवा चौथ भी रखती हैं, सब कुछ करती हैं. अब वो अपनी स्वेच्छा से करती हैं, ये उनकी निजी जिंदगी है कैसे, लेकिन वो किसी के बंधन में नहीं है, क्योंकि वो सब पीएचडी हैं, और कई सारी तो ऐसी साइंटिस्ट हैं वो औरतें जो वर्ल्ड की बेस्ट साइंटिस्ट हैं. पर हमने किसी को उसके बारे में पता ही नहीं कि वैक्सीन किसने बनाई, क्योंकि मीडिया ने उसके बारे में बात ही नहीं करी. मीडिया तो उलझा रहा ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री, सीरम बायोटेक ये वो, पर जो फंडामेंटल रिसर्च और काम जिनने किया वो तो ये औरतें थी. दूसरा मुझे एक चीज, हालांकि मैं ये बोलूंगा तो कई लोग उसको जोड़ते हैं, किसी की भी सरकार होती है उस वक्त इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह भारत सरकार ने अपने दरवाजे खोले, सारा रेड टेपिज्म आउट. अभी मैं किसी से मिला, उन्होंने बताया कि वो 30-40 साल से भारत सरकार के साथ डील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर चीज की 2-2, 3-3 कॉपी देनी पड़ती. कहते लेकिन कोविड के पीरियड में व्हाट्सएप पे रात को 2 बजे कॉल, 3 बजे कॉल, एयरफोर्स का प्लेन ले जा रहा है लोगों को इधर से उधर. कहते हैं ऐसे काम हो रहा था वॉर फुटिंग में कि किसी तरह जल्दी जल्दी वैक्सीन मिले, एंड वी मेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडिजिनस वैक्सीन. ये कोई मामूली बात तो है नहीं. तो देन आई सेड ये इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. सब लोग फेमिनिज्म की और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सब लोग एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट की बात करते हैं, लोग एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, लोग मॉडर्न थिंकिंग की बात करते हैं, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं. तो आज जब ये पोलियो वाला बच्चा जो चल भी नहीं सकता था, आज उसका वो टूटा है और आज वो चलना अगर शुरू कर रहा है, तो अगर ऐसी फिल्म बनाएंगे तो शायद कल को इसे देख के कई लोग दौड़ने भी लगे. तो उस उद्देश्य से मैंने ना, इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म फॉर इंडिया. सो व्हेन यू फील सो सुपर्ब अबाउट इंडिया, व्हिच आई आल्सो फील फॉर all the right reasons and all the roads, and there is a prishthbhoomi banayi jati hai ki ye jo hain ye khas kisam ke log hain, hamare bare mein bola jata hai, iski parwah bilkul nahi karni chahiye. Main sawal kuch aur puchne wala tha, magar mere dimag mein ye zehn mein baat aayi ki itni zyada jazbaat hain aur itne zyada dridhta hai hamare isme ki, aur aise 99.99% log hain Hindustan mein. हम फिर सुनते हैं वो 0.0001% जो है जो इसका बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी में बोलते हैं. हाँ. तो हमें लगता है शायद कोई अच्छी बात कर रहे होंगे. करेक्ट. और चूंकि उनको खुद अपनी बात नहीं पता, वो उनकी बात में दम नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े यूज करते हैं. तो हमको लगता है कि ये कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते. ये गेम समझने में मुझे बहुत दशक निकल गए, पर अब मुझे गेम अच्छे से समझ में आ गया है. तो मुझे ये समझ में आया कि जितनी आसान बात करो उतना ज्यादा वो प्रभाव उसका होता है, वही असली बात है. तो सिंपल बात करते हैं वही असली बात करते हैं. जिनको शब्दों का आडंबर चाहिए होता है बोलने के लिए, उनको मैं ज्यादा, मैं उनसे जुड़ भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अरे भाई आई लव यू बोल सकते हैं, उस बात को 10 सेंटेंस में बोलने की जरूरत नहीं. एक सिंपल बोल सकते हैं यार और चलो मिलके खाना खाते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है. तो ये मुझे बात समझ में आ गई है. ऑल्सो आई थिंक इट्स हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे साथ जो जिंदगी में साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, पल्लवी योर प्रोड्यूसर एंड योर वाइफ योर चिल्ड्रन, दे ऑल्सो थिंक द सेम वे, विच इज सच ए बून. बिकॉज अगर घर वाले थोड़े से आपके आपको बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, अलग रास्ते जा रहे हो, तो फिर समझ नहीं आता कि कैसे बिहेव करें. सो पल्लवी इज ए ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर यू एंड वेरी सॉर्टेड दैट वे, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट शी. आज ही उनका फोन आया था कि अभी तुम्हारा गेटअप डिसाइड करना है आपका. डू यू फील लोनली? आई डोंट फील लोनली एवर. कभी मुझे आज तक पूरी जिंदगी में एक सेकंड भी लोनली मैंने फील नहीं किया. एंड बट आई लव टू बी अलोन. और ग्रेटा गार्बो की एक बड़ी अच्छी लाइन है, उसने अपने घर के बाहर लिखा था,
आई एम लोनली लीव मी अलोन. मेरा भी ऐसे आई मुझे मुझे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ लोग. यू वेरी गुड स्पीकर जी. यू आर वेरी गुड स्पीकर. मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ. आज भी आपके जो धारा प्रवाह जो शब्दों का है वो बहुत भगवान की देन है और आई एम श्योर आपकी नॉलेज की भी बहुत बड़ी देन है. यू आर वेरी 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 पता नहीं कई बार सरस्वती का आशीर्वाद होता है जो बड़े बूढ़ों के कर्मों से भी आता है. मैं मानता हूँ इस बात को. और द कश्मीर फाइल्स में आपको बार बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं नहीं भी रहूंगा इस दुनिया में तो ये सत्य है. कश्मीर फाइल्स मैंने बनाई ही नहीं. ये आई बिकेम द मीडियम. क्योंकि जिस तरह से सब कुछ हुआ है ये ना तो मैंने सोचा था, ना मेरा इरादा था, ना मैंने इसमें कुछ प्लान किया. ये कई बार लोग मैंने थोड़ी ये अजीब तरह की वही आपने कहा अजीब बातें लगती है, पर ये सत्य है. मेरे लिए तो सत्य है. बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद इतना बड़ा रोल लाइफ में प्ले करता है. आपके कर्म आपके पोते पे जाके लगेंगे ये बात आज नहीं समझ में आती है, लेकिन जब होती है तब समझ में आती है. और हम लोग उसी से लड़ते रहते हैं. हमें हमेशा लगता है मैं हूं, मैं ही कुछ करता हूं. ऐसा नहीं है. मुझे लगता है मैं कुछ करता नहीं हूं. जो है उसी को ढंग से मैं लेके चल सकूं तो बहुत बड़ी बात है. अब जैसे आपके साथ अब एक रिश्ता है समझे, अब उस रिश्ते का भी तो मेरे जीवन में कुछ एक जगह है उसकी, तो उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते. और इस तरह की चीजें जुड़ जुड़ के आपका जीवन बनता है. और उसमें ये समझ नहीं रहना कि मैं ही हूं, मैं ही चला रहा हूं सब कुछ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम धरती में खड़े होने लायक नहीं रहोगे. तो धरती में हर किसी के लिए जगह है, हम सबकी धरती है. और हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि हम धरती में है और ये धरती सागर में है और ये पूरा जो अर्थ है ये पूरा एक ब्रह्मांड है और हम इस ब्रह्मांड में एक्चुअली कुछ भी नहीं है. इसीलिए मैं हिमालय जाता हूँ कि हिमालय जाता हूँ तो मुझे हर समय ये हर सेकंड एहसास होता है कि यहाँ मैं गायब भी हो जाऊं तो कहीं तिनका भी नहीं हिलेगा. और साल में एक महीना ये एहसास करता हूँ तो अगले 11 महीने अच्छे से चलते हैं. आपको लगता है कि यार अब आपको हमेशा सक्सेसफुल होना जरूरी है? नहीं, मैं इसीलिए मैं ये फिल्म बना रहा हूँ. ये तो सक्सेसफुल होगी. वो कहानी है जब आपने मुझे शुरू में बताया था कि ये लेडी साइंटिस्ट की है कि वो जो अभी आपने डिस्क्राइब किया, हाउ कैन इट नॉट रिलेट टू पीपल. बट यू आर राइटिंग ए टाइगर नाउ. सब कुछ तय भी था एक तरह से, पर फिर मुझे सारे स्टूडियोज ऑफर करने लगे, प्रोड्यूसर्स, ऊपर के 3 स्टार्स छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी स्टार्स हैं सब ने मुझसे कहा चलो कुछ करते हैं कुछ करते हैं. अभी 2022 का सबसे बड़ा स्टार तो मैं हूँ. आप हैं सर. क्या बात कर रहे हैं आप. पर आपके साथ तीन फिल्में मेरी इतनी जबरदस्त हिट हुई है. बिगेस्ट स्टार. तो ऊपर के 3 को नहीं छोड़िए आप, ऊपर के 1 को भी मत छोड़िए. हाँ मेरा मतलब वो यंग ओल्ड स्टार. उसके अलावा सब मेरे पीछे पड़ गए करो करो. तो मुझे भी ये लगा कि लोगों की अगर इतनी एक्सपेक्टेशन है मेरे से तो मतलब ऐसा लगता ना अरे देखो दुनिया आपको चाहती. मैं उसको तोड़ना चाहता था खुद के लिए. तो तोड़ने के लिए मैंने कहा अब कश्मीर फाइल से भी कम बजट की छोटी फिल्म बनाऊंगा और एक क्विक तरीके से बनाऊंगा और ऐसे सब्जेक्ट पे बनाऊंगा जो जो कमर्शियल सक्सेस होने की जिसमें पॉसिबिलिटी भी ना हो. ऐसी फिल्म बनाऊंगा तो तबीयत से बन क्या. जब आप कमर्शियल सक्सेस हो जो फंसते हैं ना बहुत सारे आपको क्राइटेरिया सोचने पड़ते हैं. अच्छा थोड़ी कास्टिंग कर, अच्छा नोन फेस ले लो. मेरी फिल्म है ऑर्डिनरी लोगों के बारे में. एंड द मिनट यू टेक समबडी जो कि बॉलीवुड के ग्लैमर में फिट हो चुका है वो उसको लो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है. ये सब समस्या है. तो अब मुझे पूरी फ्रीडम मिल गई है. मैं वो फिल्म बना रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ, जिस तरह से बनाना चाहता हूँ, अपने टर्म्स पे बना रहा हूँ. और इसीलिए बना रहा हूँ ताकि उसमें फंसूं नहीं उस गेम में. सक्सेस क्या है? आपके साथ बात कर रहे हैं मेरे लिए यही सक्सेस है बस. अब आज की तारीख में हमारे शो का नाम है मंजिलें और भी हैं. हाँ व्हाट इज विवेक अग्निहोत्री मंजिलें आगे जाके, नॉट नेसेसरली एज ए फिल्म मेकर बट एज ए पर्सन. मैं अभी तो एक ही मंजिल की तलाश में लगा हूं. मैं ये 2 फिल्में बना रहा हूं अभी बैक टू बैक, ये और उसके बाद दिलीफर. उसके बाद मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जो मैं सब में जुड़ा हूं ना. अरे सर आपके बिना आप तो हमारे हिस्सा ही हैं. आई कांट इवन थिंक. देखिए डेली फाइल्स में आपका अच्छा बड़ा रोल है, पर
चूंकि ये औरतों की फिल्म थी तो आपके लिए लिखना बैठा था, बताना पड़ेगा कि मैं आपको बोला क्या बोला था मैंने आपको, आपने आप इस फिल्म में मैं अब आपको रखना ही पड़ेगा, मेरे बिना नहीं हो सकता। मैं आपने जब मुझे कहा कि भाई खेर साहब इसमें कुछ खास है नहीं, तो मैंने कहा नहीं हमारा साथ में जोड़े रहना बहुत जरूरी है। और वो शुरू हुआ था एक सीन से, करते करते मैं जब फाइनल, अभी मत बताइए कितने सीन है, दुनिया को सस्पेंस रहने दो, डराने दो। तो मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर कई सालों से काम कर रहा था और वो करके फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मेरा एक ही बस मैं काम करना चाहता हूं कि मैं हिंदू फिलॉसफी जो है, हिंदू शब्द को यहाँ पे धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। हिंदू से मेरा मतलब है एक कल्चरल व्यवस्था जिसमें जो आता गया वो समाता गया, वो हिंदू विचारधारा जो है, जो फिलॉसफी जिसको हम वेदांत बोलते हैं, उसका जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव है 2022 में वो क्या है, वो मैं पूरे विश्व में जा जाके इफ आई कैन मेक पीपल अवेयर, स्पेशली यंग लोग, यही मैं करना चाहता हूँ। और इसी में मुझे आनंद भी आता है। और आप देखिए मैं हर बात को घुमा के वहां ले भी आता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, नेचुरली होता है। और मैं जो बोलता भी हूँ एक्सटेम्पोर बिना सोचे, वो इसीलिए क्योंकि मैं 24 घंटे सोचता भी रहता हूँ। तो मैं सुबह एक लिखता हूँ क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, वो सारे मेरे मूल विचार है, कोई ऐसा नहीं मैं कहीं से कुछ वो करता हूँ। पर उसको भी अब लोग ट्रोल करने लगे तो वो भी मैंने थोड़ा कम कर दिया धीरे धीरे। मैंने कहा अच्छे विचार क्यों फेंके जाए, फजूल के लोगों पर वेस्ट किए जाए। बेसिकली आपकी जर्नी वो स्कॉलर साहब के घर से शुरू होकर, इट्स ए बॉलीवुड फिल्म, या इट्स ए फिल्म, नॉट व्हाई शुड आई से इट्स ए बॉलीवुड, इट्स ए फिल्म, वहां से गए, फिर आप गुजरे, फिर आप वो जो बच्चा पैदा हुआ जिसके साथ प्रॉब्लम थी, जिसकी मदर पट्टियां बांधती थी और ये करती थी, शाय था, फिर प्रिंसिपल ने, आई एम जस्ट रीप्लेइंग योर लाइफ, प्रिंसिपल ने आपके जो टीचर थे उन्होंने कहा कि ये तो सब जो है ये नहीं बोल सकते, तुम बोल रहे हो दोस्त, और तुम आप फिर गए, और फिर आपने फिर उस पूरे जिंदगी से आप निकले, फिर आप यूनिवर्सिटी गए, वहां पर रैगिंग वगैरह, फिर आपने वो ज्वाइन किया और घुमा फिरा के आप हिंदू फिलॉसफी पर वापस आ गए। ये सर्कल मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग सर्कल। मेरे दोस्त आपसे बात करने का बड़ा मजा आया। थैंक यू डियर साहब, थैंक यू, क्या बात है।